बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर से लेकर के आ गई हूँ बहुत ही मज़े की टिप्स। जी हाँ, किचन के हवाले से है और आपकी मनी सेविंग भी होने वाले हैं इंशाअल्लाह। तो चलिए वीडियो जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, और बिगनर्स जो है ना उनके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल ये रहेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टिप नंबर वन ये है कि अभी के मौसम में ना, अभी क्योंकि गर्मी का मौसम हो रहा है ना, अभी गर्मी का सीज़न आ गया है, नींबू का बहुत ज़्यादा दाम होता है। तो इसको सेव करके रखने के लिए अच्छे से ज़्यादा हम लोग नींबू लेकर चले आए। उसके बाद इसे कैसे सेव करना है, एक कांच का जार ले ले। जी हाँ, कांच का जार जो है ना ज़्यादा बेस्ट होता है। इसमें नॉर्मल पानी मैंने ले लिया है, इसमें कुछ भी चीज़ को ऐड नहीं करना है, जस्ट नॉर्मल आपको वाटर लेने, टैप वाटर ले लेना है। उसके बाद ना ये नींबू को, सारा नींबू को इसमें रख दीजिएगा, अच्छे से स्टोर हो जाएगा ये। और आप यकीन मानिए, इसे हम लोग फ्रिज में रख देंगे, नॉर्मल फ्रिज में, फ्रीजर में रखने की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज में रख दीजिएगा ना, तो आपका ये कम से कम 10 दिन आराम से चल जाएगा। 10 दिन से ज़्यादा भी चल जाता है, बट 10 दिन मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। और ये याद रखिएगा, दो दो दिन के बाद आपको इसका पानी जो है ना वो चेंज करते रहना है फ्रेंड्स। पानी चेंज करने से ये और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करेगा, तो इस वजह से इस तरीके से आप लोग भी कर ले और पैसे बचाए, क्योंकि अभी रमज़ान भी चल रहा है, इसमें नींबू की ज़रूरत होती है, डेली यूज़ में आती है नींबू। तो आप ऐसे करके पैसे की बचत भी कर सकते हो, नींबू ख़राब भी नहीं होगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हो, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, और अगर अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा बॉयल वाटर ले लिया है, पूरा बॉयल नहीं करना है, बस नीम गरम ले लीजिएगा पानी, थोड़ा हल्का गरम पानी ले लेंगे और उसमें हम लोग ऐड करेंगे ना। ये देखिए, ये जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स खाने में डलते हैं वो क्या है, सॉल्ट। तो सॉल्ट हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद ना इसे अच्छे से घोल लेंगे इस पानी को। और आपको ये याद रहे, जब भी आप नहाएंगे ना, नहाने के बाद जब पूरा कम्प्लीटली हम लोग नहा लेते हैं, उसके बाद ऊपर से ये पानी को हम लोगों को डाल लेना है अपने बदन पे। जी हाँ, इससे क्या होता है ना, अभी के मौसम में, बदलते मौसम में बहुत ज़्यादा जोड़ों की दर्द होती है, बदन हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द रहते हैं, तो और सुस्ती बहुत ज़्यादा लगता है हम लोगों को। तो इससे ये हम लोग बचेंगे अगर ऐसा इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो आप इसे डेली कर सकते हैं। उसके बाद अब है तीसरा टिप प्याज के हवाले से। तो प्याज है ना अभी बहुत महंगे जा रहे हैं, और इसे अच्छे से हम लोगों को सेव करके रखना है। कभी कभी प्याज अगर ऐसे ही हम लोग ज़्यादा लेकर के रख देते ना, तो ये ख़राब हो जाते हैं, तो जिसके लिए ना हम लोग सेव इसे कर लेंगे। तो ये ऊपरी वाला जो पार्ट है ना, जी हाँ, ये जो रूट पार्ट ऊपरी वाला है ना, तो उसको अच्छे से हम लोग कट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं कट। तो सभी प्याज के ऊपरी वाले हिस्से को ना हम लोगों को कट कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए, ऊपर वाला हिस्सा को मैंने काट करके इस तरीके से निकाल दिया है। उसके बाद ना इसे आप जैसे भी स्टोर करें, बाहर ही तो रखना है, फ्रिज में तो नहीं रखना है, बाहर रखिए, अच्छे से रहेगा, ये सेफ रहेगा, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा, और इंशाल्लाह ये बहुत दिन तक चलेगा, आपकी मनी सेविंग भी होगी। माने कि सारे टिप्स मेरे मनी सेविंग भी टिप्स है साथ ही साथ, तो आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करें प्लीज़। मैं भी तो इसी तरीके से करती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज का चौथा टिप ये है कि ये है बे लीव्स। जी हाँ, तेज़ पात है ये, इसे हम लोग ना खाना वगैरह में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आज इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी एक ट्रिक बताने वाली हूँ। एक बे लीव्स ले ले, एक तेज़ पत्ता का ना एक पत्ता जो है वो हम लोग ले लेंगे। लेने के बाद ना इस तरीके से अब हम लोग जला लेना है इसे। जला करके ना क्या करना है, आप जानते हो कि कहीं पे भी मच्छर जो बहुत ज़्यादा आते हैं ना, तो हम लोग अभी किचन में काम करते तो मच्छर वगैरह आते रहते हैं, तो यहाँ किचन के एक कोने में इसे रख देना है। और देखिए, ये धीमे धीमे अच्छे से जलता रहेगा, उसकी खुशबू भी आती रहेगी, जिसकी वजह से मच्छर मक्खी कुछ भी नहीं आएगा। तो आप लोग भी ऐसी ट्रिक्स को ट्राई करें। अगर मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। डेली मैं अपने चैनल में वीडियो 4 बजे शाम में लाती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वॉच कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल 4 बजे शाम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, और प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और कल ज़रूर मिलने आइएगा। अल्लाह हाफिज़।